हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों को कुछ दिखाने जा रहे हैं। मेरा छोटा सा पौधा यहाँ देख सकते हैं। ये छोटा सा पौधा पपीता का आप जैसा कि देख रहे हैं, हम दूसरी जगह से लेकर आए हैं और इसमें इसको डाले हैं। का पेड़ बड़ा हो चुका है और इधर एक बैंगन का पेड़ दिखा रहे हैं जहाँ फला भी हुआ है। देख सकते हैं यहाँ फल भी, माने फल माने सब्जी लगा हुआ है और ये फला हुआ भी है, दिखाई देता होगा आपको। और उधर दूर देख सकते हैं, बाद में उसके बारे में बताएंगे, वहाँ में ब्लॉग चैनल बनाते हैं वहाँ पर। और ये है सजमन, सजमन यानी लौकी, लौकी यानी कि पम्पकिन, और कुछ फला हुआ भी पम्पकिन आपको उधर से जाकर दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये खा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिक। ये खाना खा रहा है अभी, बहुत भूखा रहा है, सुबह से उठ खा रहा है वो। यहाँ देखते हैं शौक से अनहर। कितना बार खा लिया अभी तक? 20 बार। एक बार? तुम 20 बार। पिछले वीडियो में जिस आम को काटा था उसी जगह चार है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है ये, आप लोग पहचानते होंगे, नज़दीक से दिखाते हैं। ये करेला है और ये करेला का भी लगाए हुए, कुछ करेला फला हुआ भी है देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि ये करेला कुछ फला हुआ भी है और इसी में से अभी कोरोना में इसी सबसे समय अभी काट रहे हैं। और यहाँ आप दिखा सकते हैं, आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये पम्पकिन कद्दू और एक ऊपर भी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आप पौधा को पहचानते हैं तो बताइए, लेकिन हम बता रहे हैं ये पत्थरचट्टा है, इसको पत्थरचट्टा हम लोग कहते हैं अपना एरिया में। पता है आप लोग क्या कहते हैं, सब लोग बताइएगा ज़रा इसको कमेंट बॉक्स में। कमेंट करने का मन होगा तो कीजिएगा, नहीं तो। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये छाव का फूल था, फूल का पेड़ सूख चुका है। और ये जो है ये सीम का पेड़ है, बड़ा सीम है, ब्लॉकिया सीम है ये, जैसे कि आपको दिखाई देता होगा। तो ये मेरा सब्जी का छोटा सा किचन गार्डन बागान है। अगर आप लोगों को जैसा कि देख सकता है खाना में क्या बनाया है, चावल है और ये खाने के लिए तैयार हूँ भुक्कर पार्टी। और यहाँ देख सकते हैं खाने में बना है भिंडी मसाला और इसमें आलू भी है, बहुत टेस्टी, देखने में टेस्टी लग रहा है। खाने के बाद देखते हैं कैसा लग रहा है। खा लिया? अभी तक नहीं खाया। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि नीचे के, आप नीचे देख सकते हैं कि अभी हम ये थोड़ा सा माटी काट के वहाँ पर डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि थोड़ा सा घिया है, घीरा घ्यूरा जिसको कहा जाता है, उसका कुछ बीज है हमारे पास, तो उस बीज को हम डालेंगे। थोड़ा माटी यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, इसी में डाल देंगे और जिससे वह उगेगा, यानी कि बीज अंकुरित होगा। तब तक हम ये माटी काट लेते हैं, अब बने रहे वीडियो में। जैसा कि देख सकते हैं यही घिया का कुछ बीज है, हम जो बहुत पहले से बचा के रखे थे और इसी को इसमें डालना है। तो चलिए इसको थोड़ा डालते हैं और यहाँ पर माटी इकट्ठा कर लिया जैसे कि हम देख रहे हैं, और इसी को थोड़ा इसी में डालना है। इसको पहले माटी को बराबर कर लेते हैं पहले और इसमें एक एक करके डाल देते हैं। घ्यूरा का छोटा सा पौधा हम अभी उखाड़ के उधर से लाए हैं और इसको यहीं पर लगा देते हैं। और ये सिमर का पेड़ बगल में जो देख रहे हैं उसी पेड़ पर वो चढ़ेगा। अच्छा तो लगा दो, इसमें डाल दो, डाल दो, ठीक है। और इस पर मिट्टी डाल देते हैं, पहले पूरा डालो इसमें और इसमें अच्छी तरह से मिट्टी लगा देते, मिट्टी डाल देते हैं और इसी पेड़ पर चढ़ जाएगा और अच्छी तरह से ये फलेगा। ये घ्यूरा है, घिया जैसे आप देख रहे हैं इसको। ये पौधा दिखाई देता है, दे रहा है आपको। हाँ, इस पौधा का पता, यहाँ पर पानी रखो था, इस पर पानी रखिएगा ना, तो इस पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भीगने वाला नहीं है। देख सकते हैं जैसा ये गोल 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 अंडा सिपाही की दलता है, अब कहीं भी भीगा हुआ नहीं है। कितना सुंदर पौधा है ये। ना भीगा जी पापा, ये पत्ता डाला ना भीगा जाए। ये पौधा में ना सरफेस टेंशन ज्यादा है। हां, सब रंग का चिप हुआ थी में पत्ता में। इस पौधा का सरफेस टेंशन इतना ज्यादा है कि इसको पानी इकट्ठा नहीं हो सकता है, नहीं इसको पानी छू सकता है, नहीं भीग सकता है। चलो ये नहीं करेंगे, बहुत ही जादू वाला है, जैसे यहाँ भी है।
किस चीज़ का है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन हमारे एरिया में इसको अरुई कहा जाता है। तो आपके एरिया में क्या कहा जाता है आप जरा कमेंट जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें। देख रहे हैं जैसा कि ये क्या नाम है तुम्हारा? समर कुमार। समर कुमार हमारे गोदी में बने बोला तो चाचा। अरे टीकी के जट्टा करके ना कटते है छोटी का चाचा। अंदीना में चला कस करो पापा तो चाचे भी इसमें बोलते हैं।